नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में जो खनिज संपदा है उस पर चर्चा करने वाले हैं। खनिजों के बारे में जो मुख्य मुख्य जानकारी है वो हम देखने वाले हैं, जो आपके काफ़ी उपयोगी रहेगी। जो आपकी जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है, बाकी अन्य जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये काफ़ी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज मुख्य रूप से राजस्थान में खनिज संपदा, मुख्य जो बातें हैं वो देख लेते हैं खनिज से जुड़ी हुई। कि देखिए, भारत में खनिज भंडारों और खनिज किस्मों की दृष्टि से देश की बात हो रही है कि एक तो खनिज भंडारों और किस्मों की दृष्टि से, किसके खनिजों की किस्मों की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा कि बात किसके लिए कही जा रही है कि भारत में खनिज भंडारों व खनिज किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। किस दृष्टि से है राजस्थान का प्रथम स्थान, यहाँ जो बात आती है वो है खनिज भंडारों और खनिज किस्मों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ राज्य की हम बात करते हैं तो अभी तक जो बताया गया है कि वर्तमान तक 81 प्रकार के यहाँ खनिज पाए जाते हैं या मिलते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें से 57 प्रकार के जो खनिज हैं उनका दोहन किया जाता है। कितने 57 पर 81 तो यहाँ हैं और 81 में से 57 खनिजों का दोहन राजस्थान में किया जाता है। राज्य को यहाँ खनिजों के पाए जाने की वजह से और काफ़ी यहाँ किस्में होने की वजह से राज्य को खनिजों के अजायब घर की उपमा से अलंकृत किया गया है। इन्हीं की कारणों की वजह से राजस्थान को अजायब घर की उपमा से अलंकृत किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि एकमात्र उत्पादक राज्य जो राजस्थान है तो किन किन में है, उनको ज़रूर देख लेते हैं। राजस्थान जास्पर, सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट व गार्नेट जेम का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसका मतलब है कि राजस्थान निम्न खनिजों में या निम्न खनिजों के लिए देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो आपको इन नामों पर ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जो बताए गए हैं जो राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो किन खनिजों में राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है, इस प्रकार के प्रश्न पुटअप हो जाते हैं, तब आपको ध्यान में रखना है कि ये इसी श्रेणी में जैसे जास्पर है, सीसा एवं जस्ता इसके सेलेनाइट है, वोलेस्टोनाइट है, गार्नेट इसको जेम भी कहते हैं, का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। कौन है, राजस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न पुटअप हो जाते हैं तो आपको बस इतनी सी लाइन थोड़ी ध्यान में रखनी है। जबकि टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइट, मार्बल, एस्बेस्टास, फास्फोराइट, बाल कले ये जो चिकनी मिट्टी होती है उससे भी ज़्यादा लचीली होती है, ओक्रे, स्टेटाइट, फायर कले, रॉक फास्फेट, फेल्सपार, सोपस्टोन, कैल्साइट एवं चांदी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। कौन, राजस्थान है। किन में, निम्न खनिजों में देश में उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो आपको ये लिस्टेड करने होंगे कि कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिसके उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से आपको देखना है, करना है।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में खनिज किनको छोड़ करके, ईंधन, परमाणु और गौण खनिजों को छोड़ करके उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से द्वितीय स्थान राजस्थान का है। कब का? 2020-21 में खनिज उत्पादन के मूल्य, जो खनिजों का उत्पादन किया है उससे जो मूल्य प्राप्त हुआ है, उस दृष्टि से राजस्थान विश्व इसमें देश में द्वितीय स्थान पर था 2020-21 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान देश के कच्चे तेल के उत्पादन में, यहाँ देखना कि राजस्थान देश के कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कच्चे तेल के मामले में? राजस्थान है। किसके बाद में है? मुंबई हाई के बाद में। किसमें है? देश में। और कच्चे तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? पांचवें स्थान पर आता है। अगली विशेषता में अगर हम देखते हैं तो यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से, यानी कि प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में पांचवा स्थान है। ठीक है, कौन सा है? पांचवा स्थान है। जबकि उत्पादन में अगर 2020 के उत्पादन में हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो देश में तीसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक, ये डाटा दिए गए हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि रामगढ़ क्रेटर, ये रामगढ़ क्रेटर जो स्थान है ये है 12 में। इसके लिए क्या है कि ये भारत का तीसरा व राजस्थान का पहला क्रेटर है। भारत का तो तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। ये इससे पहले जो क्रेटर हैं वो महाराष्ट्र में है और एक मध्य प्रदेश में है। ये क्रेटर हैं क्या? यहाँ बहुत प्राचीन, अगर बहुत पहले की हम बात करें तो यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ उल्का पिंड आकर के और इस क्षेत्र से टकराया था जिसकी वजह से यहाँ क्रेटर बना और अंगूठी नुमा इसकी स्थिति बताई जाती है। ठीक है, और इसको 2020 में विश्व भू विरासत के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो क्रेटर हैं जहाँ उल्का पिंड कभी टकराए हैं अतीत में, वहाँ यूरेनियम के भंडार भी हैं। तो ये क्षेत्र यूरेनियम का भंडार भी है। रामगढ़ क्रेटर जो क्षेत्र है, या रामगढ़ जो क्षेत्र है, क्रेटर तो एक आकृति है, ये उसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ में ये उल्का पिंड टकराया तो यहाँ बना क्रेटर, और ये 12 में स्थित है। ये दे या राज्य का तो प्रथम क्रेटर है, यानी राजस्थान का प्रथम क्रेटर है, जबकि देश का ये तीसरा क्रेटर है। ठीक, और यहाँ क्या यूरेनियम के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है कि एम सैंड नीति, ये क्या है? एम सैंड नीति, मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति, ये 25 जनवरी 2021 को इस नीति का लोकार्पण किया गया। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, श्री अशोक गहलोत जी, इन्होंने 25 जनवरी 2021 को इस नीति का लोकार्पण किया। किस नीति का? एम सेंड नीति। ये एम सेंड नीति इस प्रकार की थी कि जो खानों से जो वेस्ट निकलता था ये उसके लिए भी एक अच्छी नीति बन गई। दूसरा, जो हम नदियों की बजरी पर निर्भरता थी वो इस नीति से, उस पर जो नदियों में जो बजरी है उसकी निर्भरता कम, उस पर हम कम निर्भर होंगे, क्योंकि यहाँ ये जो बजरी बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस नीति के तहत काफ़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए इस नीति का लोकार्पण किया गया, और जो खानों से निकला जो वेस्ट था वो भी अब यूज में आ जाएगा। इस प्रकार की ये नीति थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019,
को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को मंजूरी दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक ट्रस्ट है ये, राजस्थान स्टेट मिनरल्स मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, ये नाम है राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, RSMET ये नाम है इसका। इसका गठन किया गया और इसका जो नोटिफिकेशन है 15 सितंबर 2020 को जारी हो गया। अब ये ट्रस्ट करेगा क्या, ये ट्रस्ट करेगा कि प्रदेश में जो उपलब्ध खनिज भंडारों, जो उपलब्ध अपने यहाँ जो राज्य में खनिज भंडार हैं, उनके लिए क्या काम करेगा, वैज्ञानिक तरीकों से खोज करेगा, वह खनन में आधुनिक तकनीक के आधार पर उपयोग करेगा, आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगा, शोध करेगा, कौशल विकास व राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में ये काम करेगा। तो इस प्रकार से इस ट्रस्ट के ये खनिजों की दृष्टि या खनिजों के क्षेत्र में काम रहेंगे। नेक्स्ट विशेषता और देख लेते हैं कि यहाँ हम यूरेनियम की बात करते हैं राजस्थान में, कि सीकर में यूरेनियम के भंडार, तो सीकर में, सीकर जिले में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले, तो वो है खंडेला में रायल सुहागपुरा इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले। यह राज्य में यूरेनियम का पहला प्रोजेक्ट है, राज्य में यूरेनियम का पहला प्रोजेक्ट कौन सा है, ये है सीकर का। और सीकर का, सीकर में कहाँ, खंडेला में जो रायल सुहागपुर क्षेत्र जो है वहाँ यूरेनियम के भंडार मिले, और यही क्षेत्र है यूरेनियम का पहला प्रोजेक्ट बना राज्य का। इसके बाद में 12 जिले के जो रामगढ़, अभी बात कर रहे थे रामगढ़ की, वहाँ क्रेटर था, क्रेटर मिला उल्का पिंड के टकराने की वजह से, और उसी की वजह से यूरेनियम वहाँ मिला। तो वही बात कर रहे हैं कि 12 जिले के जो रामगढ़ में यूरेनियम के भंडार मिले। अब ये जो रामगढ़ क्षेत्र है 12 जिले का, इसको कुछ और मिला है, उसको कुछ नवाजा गया है, तो वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गत दिनों रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया था। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि 12 जिले का जो रामगढ़ क्षेत्र है वो किसके लिए है, यूरेनियम के लिए है, यूरेनियम के भंडार मिले हैं, क्रेटर है वहाँ, और इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गत दिनों जियो हेरिटेज साइट घोषित किया था। जियो हेरिटेज साइट घोषित किया था, किसे किया गया, रामगढ़ को, जो कि 12 जिले में है। नेक्स्ट देख लेते, जोधपुर में भी यूरेनियम के भंडार मिले, और जोधपुर में जो यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले, आगोलाई व बिनावास में, जोधपुर के आगोलाई व बिनावास में यूरेनियम के भंडार मिले। इसको कहा कैलिक्रट यूरेनियम नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल के विश्व के सर्वाधिक भंडार मिले हैं, विश्व के सर्वाधिक भंडार यहाँ बताए गए कहाँ, राज्य के जोधपुर जिले में। मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ जो भंडार मिले हैं, और मैग्नीज के जो भंडार हैं वो बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील, किसकी, मैग्नीज के भंडारों के लिए बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के कालाफूटा तामेश्री व रूपाखेड़ी गांव में 2021 में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। तो कब का है ये डाटा, 2021 के लिए बताया गया है कि 2021 में मैग्नीज के भंडार कहाँ मिले, तो बांसवाड़ा जिले में मिले, कौन सी तहसील में मिले, तो घाटोल तहसील में मिले। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि घाटोल तहसील तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार ने बायो ईंधन के लिए, सरकार ने बायो ईंधन के लिए राष्ट्रीय नीति 2018 को अधिसूचित किया, कौन सी को, 2018 को किया। इसमें क्या किया कि इथेनॉल के उत्पादन में गन्ना रस के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई, कि इस नीति के तहत 2018 की नीति के तहत ये कह दिया गया कि आप बायो ईंधन के लिए इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना रस का उपयोग आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि राजस्थान में तांबे के भंडार, राजस्थान में तांबे के भंडार, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में जो भोपाल सागर क्षेत्र है में तांबे के दो ब्लॉक कौन कौन से हैं? भागल और बारी ब्लॉक में मिले हैं। कौन से? भागल और बारी ब्लॉक में मिले हैं। ये भागल और बारी ब्लॉक किसमें, किस क्षेत्र में आता है? भोपाल सागर में आता है, जो कि भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगली जो विशेषता वो देख लेते हैं, मुख्य रूप से खनिजों को लेकर के। यहाँ बाल कले का वरत भंडार, बाल कले जो है, मिट्टी जो है, इसके जो वरत भंडार है, यानी बहुत बड़े भंडार हैं, वो कहाँ मिले? वो मिले अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में मिले। और राज्य का ये सबसे बड़ा भंडार है, किसका? बाल कले का, बाल कले का। ये बाल कले जो है, ये चिकनी मिट्टी में जितना लचीलापन होता है उससे ज़्यादा इसमें लचीलापन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें, इसके जो सबसे ज़्यादा भंडार मिले हैं वो अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राज्य का सबसे बड़ा भंडार है, तो पूछ लिया जाए कि राज्य का सबसे बड़ा बाल कले भंडार कहाँ पाया जाता है, या कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है, कौन सी तहसील में है, तो इस प्रकार का इस पे प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बीकानेर के छोटी व बड़ी नाल में, बीकानेर के छोटी व बड़ी नाल में भी बाल कले एंड सिलिकॉन, बाल कले एंड सिलिकॉन के भंडारों की खोज हुई है। तो इसके बाद में अगर हम अलवर जिले के बाद में बात करते हैं तो बीकानेर में, बीकानेर में छोटी व बड़ी नाल में, ठीक है, और क्या मिले? बाल कले एंड सिलिकॉन के भंडारों की भी यहाँ खोज हुई है। इसके बाद में है कि भीलवाड़ा के जो हमीरगढ़ क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान के या राज्य के जो भीलवाड़ा जिला है, कि हमीरगढ़ क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, हम उसमें क्या मिला? लोहा अयस्क का नया भंडार खोजा गया या मिला? कहाँ मिला है? दोबारा देख लेते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उसमें किसके? लोहा अयस्क का नया भंडार मिला। अब यहाँ नया भंडार मिला तो कुछ नया भी हो रहा है। अब क्या है कि जैसे ये भंडार मिला तो यहाँ जिंदल जो स्टील कंपनी है उसके द्वारा स्टील प्लांट लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा? जिंदल के द्वारा लगाया जाएगा। जिंदल स्टील द्वारा कहाँ लगाया जाएगा? स्टील प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? वो भीलवाड़ा में हो गया। किसके आधार पर? ये जो लोहा है इसके यहाँ मिला ना, इसके आधार पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए देखो, यह प्रदेश का पहला स्टील प्लांट होगा। अगर यहाँ लगाया जाता तो ये प्रदेश का पहला स्टील प्लांट होगा। और फिर ये भी हो जाएगा कि किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो जिंदल स्टील कंपनी के द्वारा ये लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान खान ब्लॉकों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है किस में? तो ये पूछ लिया जाए कि भाई खान ब्लॉकों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जो जैतून तेल की रिफाइनरी, जैतून तेल की रिफाइनरी बीकानेर जिले के लूणकरण सर में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? बीकानेर के लूणकरण सर में लगाई गई। बहुत आराम से, धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ना सही है, ताकि ये ओवरलैप नहीं हो। आराम से इन चीज़ों को जरूरी है देखना, पढ़ना। जल्दी जल्दी करते करते एक दूसरे लाइन ओवरलैप होती है, आराम से इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। अब यहाँ बात आ रही है कि प्रदेश में जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ लगाई है? बीकानेर जिले के लूणकरण सर में लगाई गई जैतून तेल की, ठीक है। यह देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी है, देश की पहली जैतून तेल
तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बीकानेर में है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को। 3 अक्टूबर 2014 को इस जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ और यह रिफाइनरी देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी है। ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ लगाई है राजस्थान में? बीकानेर जिले के लूणकरणसर में लगाई गई है, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद में है एक मुख्य सी बात है, केयर्न इंडिया को गुड्डा मनानी सांचौर में गैस भंडार मिला। ठीक है, किसको? केयर्न इंडिया को गुड्डा मनानी सांचौर क्षेत्र में गैस का भंडार मिला। ये जो गैस का भंडार इस कंपनी को मिला ना, ये देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है। तो ये पूछ लिया जाए, देश का सबसे बड़ा गैस भंडार कहाँ स्थित है? तो गुड्डा मलानी सांचौर क्षेत्र में, और ये कहाँ है? राजस्थान। तो इस प्रकार से आज हमने मुख्य रूप से जो मुख्य मुख्य खनिजों से संबंधित जो तथ्य थे उनको पूर्ण किया। कल हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से जो खनिज हैं, खनिजों का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, क्या उनके मुख्य तथ्य हैं, क्या उनके मुख्य विवरण हैं, कौन कौन से खनिज हैं, उनके प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं। तो कल का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, वो उसी पे ही आधारित रहेगी। आपको अगर ये क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप अपने साथियों को शेयर जरूर करें। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।